Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मौज स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। अभी मैं दिल्ली का निगमबोध घाट पे आया हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे डेड बॉडी जो जल रहा है, और इधर भी जल रहा है, और इसके बाद आप पीछे भी देख सकते हैं, इसके पीछे भी डेड बॉडी जल रहा है। तो इस कदर यहाँ पर मतलब डेड बॉडी जल रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि कितनी डेथ रोज हो रहा है इस दिल्ली में। और मैं यहाँ पे बात करूँगा जो यहाँ पे काम करते हैं, इनसे मैं पूछूँगा कि क्या क्या दिक्कत हो रहा है। संजय जी बताइए, अभी मेरा नंबर आ गया नहीं, कोविड तो अभी आया है बिना, जब पहले कितनी डेड बॉडी आती थी, अभी कितनी? 50-60 की एवरेज थी पहले, और अभी 300, 350, 400 कोविड नॉन कोविड दोनों। कोविड का कितना था? कोविड की कम से कम इस टाइम तो चल रहा है 300 का टारगेट है, इस टाइम 250-300। तो आप लोग को लकड़ी क्या प्रॉपर मिल रहा है? लकड़ी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, लकड़ी प्रॉपर मिल रही है यहाँ पे। आप लोगों को क्या कोई दिक्कत है? हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हम काम कर रहे हैं। और फैमिली जो आती हैं लेकर, वो गुस्से में रहते हैं? वो गुस्से में रहते हैं बेचारे, उन लोगों को क्या गुस्सा करेंगे बेचारे, वैसे ही परेशान है वो। एक बात बताइए, ऐसा शमशान घाट दिल्ली में कितना होगा? दिल्ली में शमशान घाट 100 तो होंगे करीब करीब, 100-125 शमशान घाट है दिल्ली के अंदर। अभी कुछ एक्स्ट्रा भी बन गए हैं। तो इससे क्या अनुमान लगाया जाए कि दिल्ली में कोविड से कितने लोग मर रहे हैं? कम से कम 1500 की डेथ डेली हो रही है कोविड से, नॉर्मल से अलग, कोविड की 1500 पूरी दिल्ली के अंदर, 1500-1600 की डेथ डेली है कोविड की। आप लोग यहाँ पे कितना स्टाफ काम करते हैं? कितना स्टाफ होगा सर यहाँ पे? स्टाफ में जो है ना, ब्राह्मण से लेकर सब चीज कम से कम 300-400 आदमी है। पंडित जी भी हो गए, सफाई कर्मचारी भी हो गए, सिक्योरिटी गार्ड भी हो गए, सुपरवाइजर, 300-400 लोग हैं। 300-400 लोग यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, एक बात थी, ये कितने बजे से कितने बजे तक ये जलाने का आदेश है यहाँ? यहाँ पे सुबह 5 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक है फिलहाल, और पहले 24 आवर्स था, 24 आवर्स था। लेकिन इसलिए क्या है कि अभी ये फूल नहीं, ज़्यादा बॉडी के वजह से तो यहाँ पे फूल उठ नहीं पाते, तो प्लेटफॉर्म खाली नहीं होते, नेक्स्ट डे प्लेटफॉर्म का नहीं करना होता है। प्लेटफॉर्म खाली होगा तो तभी संस्कार होंगे, कैसे संस्कार होंगे ही नहीं। और यहाँ पे तो जो कि इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रिक भी है ना यहाँ? हाँ, CNG भी है यहाँ पे। उसमें कितनी डेड बॉडी जाती है? कम से कम 30-40-50 बॉडी तो उसमें डेली की है, डेली जाती है। हाँ, और यहाँ पे जो डेड बॉडी है सिर्फ दिल्ली के लेके लोग आते हैं कि बाहर से भी आते हैं? अभी तो फिलहाल तो दिल्ली का चल रहा है यहाँ पे, बाकी बाहर के लोग भी आते हैं, गाजियाबाद, फरीदाबाद, झज्जर, बड़ी बड़ी दूर से बॉडी आती हैं। जो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जो लाइन से कम यहाँ पे 50 डेड बॉडी अभी चल रहा है? अभी 50 जल रहा है, क्या कितने 100, अभी तो 200 के करीब है ना इस टाइम, 200 के करीब प्लेटफॉर्म है हमारे यहाँ। और यमुना के किनारे भी लोग जला रहे हैं? यमुना के किनारे भी जलाते, सारे मिला के 200-250 के करीब प्लेटफॉर्म है। खाली जगहें हैं जहाँ पे हमने जो है ना काफ़ी प्लेटफॉर्म जो है ना वैसे बनाया है टेम्परेरी, जिससे कि जो है ना व्यक्ति जो आ रहे हैं यहाँ पे, मृतक शरीर आ रहे हैं, उनके परिजनों को दिक्कत ना आए, उन्हें प्लेटफॉर्म भी मिले, उनके जो है ना इमोशनल जो है उनको जो है ना ठेस ना पहुँचे। और यहाँ का जो ब्राह्मण समाज है, यहाँ के जो सेवादार हैं, कर्मचारी हैं, या जो भी यहाँ का स्टाफ है, वो किसी भी प्रकार की उन्हें दिक्कत नहीं आने दे रहा। जैसे पहले वेटिंग का सिस्टम चल रहा था, अब वेटिंग का सिस्टम भी नहीं है। अब नॉर्मल बॉडी का क्रेज़ थोड़ा कम हो गया है, कोविड आ रही है, लेकिन कोविड में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। पहले दिक्कत आ रही थी, शुरुआत के 10-15 दिन हमें बहुत दिक्कत आई है, लेकिन अब उस दिक्कत का कारण ये था कि कुछ शमशान जो छोटे छोटे शमशान थे, बॉडी रेशो ज़्यादा बढ़ने की वजह से छोटे शमशानों में लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब जितने भी शमशान हैं सब में हर चीज़, हर सुविधा अवेलेबल हो गई है, छोटे छोटे शमशानों में भी लकड़ी की पूर्ति हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पे अब बॉडी रेशो कम हो गया है। पहले यहाँ पे 220-230 बॉडी का रेशो था, 250 बॉडियों का, लेकिन अब जो इस टाइम हाल फिलहाल जो चल रहा है 2-3 दिन से, तो यहाँ पर 150 बॉडी का रेशो चल रहा है, यानी कि 100 बॉडी कम होना। 100 बॉडी कम होने का मतलब ये है जो कॉलोनियों के छोटे छोटे शमशान हैं उसमें सुविधा मुहैया होना, वहाँ पर लकड़ी की जो अभाव था,
या वहाँ पे जो कर्मचारियों का अभाव था वो सब चीज़ उन्होंने जो है ना बढ़ाई है, इस वजह से यहाँ पर रेशो कम हो गया। और जो कॉलोनियों के जो छोटे छोटे शमशान हैं, जैसे कि अभी आपको बताया गया है कि 100-125 या 150 के करीब शमशान हैं, जैसे हमारा काले खां है, काले खां बिजली वाला शमशान था, उसमें भी हमने जो है ना ऑर्डिनरी चिताएँ बनाई हैं। उसमें क्या है कि मान के चलिए अब जो है ना छोटे छोटे शमशान जहाँ पे हमारे पे जैसे एमसीडी प्रॉपर्टी है या एमसीडी लैंड है, ठीक है, डीडीए लैंड है, एमसीडी लैंड है, इनमें क्या हुआ कि इन्होंने जो है ना नॉर्मल जैसे प्लेटफॉर्म बनाए हैं तो उससे जो है ना काफ़ी कवर हुआ है। काफ़ी कवर होने से मतलब लोगों को दिक्कत नहीं आ रही अब, जैसे पहले दिक्कत आ रही थी, वेटिंग हो रही थी, इंतज़ार करना पड़ रहा था, ब्राह्मण भी परेशान। यहाँ पे 4-4 घंटे का वेटिंग चल रहा था सर, पहले चल रहा था ना, अब नहीं है। आप देखिए ना नॉर्मल रेशो कम है। पहले शमशान में आपने देखा होगा, कभी आप यहाँ आए होंगे, ये विश्राम स्थल है सामने, वो सामने विश्राम स्थल है, वहाँ पे एक एक विश्राम स्थल पे 5-5, 7-7 बोडियाँ रखी जाती थी, आज आपको एक भी नहीं दिख रही। वो क्यों? क्योंकि जो है ना और शमशानों में सुविधा प्रोवाइड हो गई है। एक बात तो ये समझ जी, यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनको कोई दिक्कत होता है क्या सर? एक्चुअल में यहाँ पे जो कर्मचारी है वो अपनी सेफ्टी पूरी कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ जो हमारी एनजीओ चला रही है उसकी तरफ से यहाँ पे जो सुविधाएं मिल रही हैं, सैनिटाइज वगैरह हर चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है जी, सैनिटाइज वगैरह हो रहा है, हर चीज़ है। कहने का मतलब ये है कि जो एनजीओस के जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे जो है सुमन कुमार गुप्ता जी, वो हर चीज़ को जो है ना यहाँ पे मतलब किसी चीज़ की परेशानी नहीं आने दे रहे किसी के लिए भी, या ब्राह्मण हो या कर्मचारी हो या कोई भी हो। और एमसीडी का स्टाफ भी यहाँ पे आ रहा है, वो भी उन्हें भी देख रहे हैं सब चीज़ें, और आम पब्लिक को सबसे पहले हम देख रहे हैं, जो दुखी होके आ रहे हैं, जिसके परिवार में एक एक दो दो तीन तीन मौतें हो रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आघात उन्हें लग रहा है, ठीक है। और यहाँ का कर्मचारी तो अपनी सेफ्टी से चल ही रहा है, बाकी ये है कि पिछले कोरोना काल से लेकर जो ये कोरोना काल गया है ये बहुत भयंकर गया है, ये लापरवाहियों की वजह से गया। कुछ आदमी की लापरवाही स्वयं की होती है, इंसान की, कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट की थी। एकदम से बाज़ार का खुलना, हर चीज़ होना, भीड़ भड़का होना, तो कोरोना अपने आप ही बढ़ना था। फिर दूसरी बात क्या है कि हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी, लोगों के घर में डेथ होना सांस की प्रॉब्लम से, क्योंकि आधे ज़्यादा तो दमे का, और जो है हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट, वो कहाँ जाएगा जब हॉस्पिटल में जगह ही नहीं होगी, तो वो तो घर में ही डेथ करेगा। अब उसे कोरोना है नहीं है वो तो नॉर्मल है, उसका क्या जजमेंट करेंगे आप? बाबा जी, एक डेड बॉडी जलाने के लिए यहाँ पे कितने पैसे देना पड़ता है? सर हमारे यहाँ पे मान के चलिए 3 क्विंटल लकड़ी देते हैं हम एक डेड बॉडी में, 3-4 क्विंटल 700 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से, यानी 7 रुपये किलो के हिसाब से, ठीक है। अब वो मान के चलिए हैवी बॉडी है तो उसमें मान के चलिए 4 क्विंटल नहीं तो 3-3.5 क्विंटल में काम हो जाता है। अब 700 रुपये के दर के हिसाब से आप क्विंटल के हिसाब से लगा लीजिए, 2100 रुपये की 3 क्विंटल, तो ये तो एक गवर्नमेंट फिक्स रेट है। और अलग से भी कोई जाना होता है? अलग से ब्राह्मण जो संस्कार कर रहे हैं उनका है, वो भी अब इस टाइम इतना परेशान नहीं करते लोगों, क्योंकि सब इस टाइम सबको पता है कि हर एक के परिवार में दुख है, किसी के घर से 2 व्यक्ति जा रहे हैं, किसी के घर से 3 जा रहे हैं, किसी के घर से माँ बाप ही चले गए, तो वो ब्राह्मण लोग भी अब परेशान नहीं करते किसी को। और यहाँ पर एक डेड बॉडी के साथ कितने लोग आने का अलाउ? सर गवर्नमेंट ने तो 20 बंदों का अलाउ कर रखा है, लेकिन ये है कि कुछ व्यक्तियों में तो जो है ना कंधा देने वाले ही नहीं आ रहे, तो यहाँ का जो हमारा जनरल स्टाफ है वही कंधा दे रहा है, और कुछ बॉडीज में 20-25-30-40 भी आ रहे हैं। तो क्योंकि देखिए कोरोना से डरते हुए और लॉकडाउन को देखते हुए लोग जो है घर से निकलना नहीं चाह रहे, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। कोरोना में तो खैर आपको दिख ही रहा है कि 2-3, 3-4 हद मार के मतलब 5-7-10 बंदे ही आ रहे हैं जो कोरोना डेड बॉडीज आ रही है, उनके परिजन, वो भी फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार भी नहीं आ रहे, सिर्फ फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं। और नॉर्मल बॉडी में ये है कि 10-20-30 लाख 40 आ रहे हैं। गवर्नमेंट के रूल फॉलो हो रहे हैं अब धीरे धीरे। और बाकी आपने अभी देखा होगा पीछे, अभी हरियाणा, यूपी, राजस्थान, राजस्थान का तो खैर मुझे पता नहीं, दिल्ली, 3 स्टेटों में लॉकडाउन चालू हो चुके हैं, तो इससे भी थोड़ा काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि NCR से ही मान के चलो बाहर आना जाना, आवागमन से ही बीमारी का वो होगा। क्या नाम है? मेरा नरेंद्र सिंह रावत है। ये कोविड से डेथ हुई है जी की, 5-7 दिन पहले डिटेक्ट हुआ था, हॉस्पिटल ले गए, पहले तो हॉस्पिटल में सेंट स्टीफन हॉस्पिटल ले गए, इतनी मारा मारी है वहाँ, मतलब एडमिशन के लिए लोग अपना वहीं मर रहे हैं बाहर,
बहुत दिक्कत है। उसके बाद अगर एडमिशन मिल जाता आपको तो डॉक्टर की तरफ से तो मुझे लगता है कि वो ठीक करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, लेकिन वो चाह ही रहे हैं कि पेशेंट मतलब डेड ही निकले यहाँ से, लेकिन ये है मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मैं देख रहा हूँ कि मतलब 90% पेशेंट डेड हालत में निकले थे, जिंदा तो कोई निकला ही नहीं वहाँ से, सेंट स्टीफन की हालत है ये। ठीक है जी, बस और क्या बाकी है, तो डेथ वाला मोमेंट अब क्या किसमें बोलेंगे ज़्यादा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो रहा है? अभी कुछ नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह रावत। मैं यहाँ पे निगम बोध घाट पे हूँ और मैंने यहाँ का स्टाफ से बात करने का कोशिश किया, आपको दिखाया, और यहाँ का एक परिजन आया जिनका बहनोई का डेथ हो गया है, उनसे ही मैंने बात किया कि क्या क्या प्रॉब्लम था और कैसे इनका डेथ हुआ। आप बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ, मैं हूँ मदनलाल। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.